हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप? अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं हम एक नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं क्रंची पटाटो रोल। तो क्रंची पटाटो कैसे बनाते हैं, आज हमने एक नई रेसिपी बनाई है क्रंची पटाटो की। तो आपको दिखाने वाले हैं हम क्रंची पटाटो। और दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं क्रंची पटाटो रोल। तो क्रंची पटाटो रोल के लिए हमने कर दिया पटाटो ग्रेट, और ये हो गई हमारी वेजिटेबल ग्रेट। वेजिटेबल में हमने डाले हैं बीन्स, कैरेट और ग्रीन पीस। और हमने इसमें ऐड कर दिया है क्यूब कटा हुआ पनीर, जो हमने डाइस क्यूब काट दिया है। और अब हम इसमें डालने वाले हैं चॉप किए हुए बेल पेपर इस तरह से। और दोस्तों अब हम इसमें डालने वाले हैं सीड। ये हमारे पास है स्प्रिंग रोल सीड, और इस सीड से हम इस सीड को करने वाले हैं चॉप स्लाइस। और इसके बाद हम इसको ऐड करने वाले हैं इस मिक्सचर में। इस तरह से होती है हमारी स्प्रिंग रोल सीट। तो दोस्तों इस तरह से हो रही है हमारी स्प्रिंग रोल सीट चॉप, और हमने बना दिए इसके फ्लेक्स इस तरह से। हम इसमें ऐड करने वाले हैं ये फ्लेक्स तैयार। दोस्तों ये हो गया हमारा मिक्सचर तैयार। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कुछ मसाले। तो दोस्तों हमने कर दिया इसमें मसाला ऐड। हमने इसमें डाला है जीरा पाउडर, चाट मसाला, सॉल्ट, पेपर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्रंची पटाटो का मिक्सचर तैयार। अब हम बनाने वाले हैं इसके रोल। तो दोस्तों इस तरह से बना दिए हमने क्रंची पटाटो रोल। और अब हम इसको करने वाले हैं फ्राई। तो दोस्तों इस तरह से हो रही क्रंची पटाटो रोल फ्राई। तो दोस्तों इस तरह से बन गए हमारे क्रंची पटाटो रोल, और इसके साथ दे दिए हमने कॉकटेल सॉस। तो दोस्तों बने रहे फिर वीडियो में, आपको दिखाते रहेंगे नई नई वीडियो। इस तरह से हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।